हेलो दोस्तों, मैं हूं गुंडरेज और आप देख रहे हैं तकनीकी ज्ञान। और दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं स्पाईवेयर के बारे में। दोस्तों, स्पाईवेयर जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, एक इस तरह की एक चीज़ होती है, एक आप वायरस कह सकते हैं उसे, या कोई मालवेयर कह सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जो कि जिसके अंदर मालवेयर छुपा हो या कोई कमांड लाइन छुपी हुई हो। तो इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में जब आ जाता है, कंप्यूटर में या एंड्रॉयड डिवाइस में, किसी भी आपके चीज़ में वो आ सकता है। तो जब वो आपके एंड्रॉयड डिवाइस या कंप्यूटर में आ जाता है, तो वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन को, जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसको वो चुरा लेता है। इसीलिए उसका नाम स्पाईवेयर है। अब स्पाईवेयर आता कैसे है? तो दोस्तों, बहुत सिंपल है कि जब आप नेट पर सर्फिंग करते हैं, किसी अननोन वेबसाइट पर चले जाते हैं, अननोन लिंक पर चले जाते हैं, जो कई बार आप जैसे करते रहते हैं, सर्फिंग करते रहते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे एड्स आते हैं आपको इंटरनेट पे। आप उन किसी भी एड्स पे क्लिक करके किसी अननोन वेबसाइट पे चले जाते हैं, तो वहाँ से वो स्पाईवेयर्स आ जाते हैं। अब ये स्पाईवेयर करते क्या हैं? ये आपके आपके जो कंप्यूटर है या आपका जो एंड्रॉयड डिवाइस है, उसके अंदर एंटर होने के बाद आपकी जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे जो कि आपका कंप्यूटर है, उससे अगर आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हैं, या आप कोई अपनी बिजनेस डील उस पर करते हैं, कोई आपकी कोई वेबसाइट है या कुछ और है आपकी, जो कोई काम करते हैं आप इंटरनेट के थ्रू, आपके ईमेल्स वगैरह हैं, वो इन सबको पढ़ सकता है। यहाँ तक कि आपके जो पासवर्ड सेव होते हैं आपके ब्राउजर्स में, उनकी इंफॉर्मेशन भी ये रीड कर लेता है, और आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर कर लेता है कि आप इंटरनेट पर किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, आप क्या सर्च करते हैं इंटरनेट के ऊपर। ये सारी चीज़ें स्पाईवेयर आसानी से आपके कंप्यूटर में आने के बाद एक्सेस कर सकता है। और एक्सेस करने के बाद ये क्या करता है, ये इसका जो भी मालिक है, जिसने भी उस स्पाईवेयर को जनरेट किया है, उसको बनाया है, उस बंदे को वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू भेजता रहता है। जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, वो उस सर्वर पे या उस वेबसाइट पे जहाँ से भी वो ऑपरेट किया जा रहा है स्पाईवेयर, वहाँ वो सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देता है। तो ये आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप एक ऐसा एंटीवायरस यूज़ करें जो कि प्रोटेक्ट करता हो आपको स्पाईवेयर से। अब ये आपको जब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे किसी भी एंटीवायरस के बारे में, तो वहाँ पे जब आप देखेंगे, तो जो भी आपको एंटीवायरस लेना है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दी होती है कि ये किस किस चीज़ से आपको प्रोटेक्ट करता है। वैसे मोस्टली आजकल सभी के सभी जो एंटीवायरस हैं, वो आपको स्पाईवेयर का प्रोटेक्शन देते ही हैं। तो आप कोई भी एंटीवायरस ज़रूर यूज़ करें। अब कई लोग क्या करते हैं कि भाई हमारी तो हार्ड डिस्क बहुत स्पेस ले लेती है, बहुत स्पेस ले लेता है एंटीवायरस, हमारा सिस्टम स्लो हो जाता है, इस वजह से वो नहीं करते हैं कि भाई सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जब आप कोई एंटीवायरस इंस्टॉल करेंगे तो वो सिस्टम स्लो कर देगा। वो सिस्टम स्लो इस वजह से करता है क्योंकि वो आपकी पूरी की पूरी जो ड्राइव है, उसको जो है पूरा वो सिक्योर करके चलता है, उसको सब जगह एक्सेस चाहिए होती है। तो जितना टाइम आपका पीसी ऑन रहता है, उतना टाइम वो उन सारी ड्राइव के अंदर, सारी फाइल्स के अंदर एक तरह से निगरानी करता है, उस पर वॉच करता रहता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं हो रही जो आपके सिस्टम के लिए हार्मफुल हो। तो हाँ, थोड़ा सिस्टम आपका स्लो हो जाएगा, मगर अगर आप एंटीवायरस नहीं डालेंगे तो आप मेरी बात का यकीन मानिए, आपको इससे कहीं ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। तो मेरी राय आपके लिए यही है कि आप अगर स्पाईवेयर से बचना चाहते हैं, तो आप जो है कोई अच्छा एंटीवायरस इंस्टॉल करें, और हो सके तो कोई पेड वर्जन इंस्टॉल करें, आजकल बहुत सस्ते मिल जाते हैं। इनके अलावा जो आपका एंटीवायरस है, वो आपको मॉलवेयर से, वॉर्म से और ट्रोजन से, इन सब से भी बचा लेगा। तो अगर आप नहीं जानते हैं कि मॉलवेयर क्या होता है, वायरस क्या होता है, ट्रोजन क्या होता है, तो उसके लिए एक दूसरी वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको आप जाकर देख सकते हैं, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए फिर इस वीडियो में इतना ही। आपने अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं मिलूंगा आपसे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।